नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रायसेन जिला रायसेन तहसील उदयपुरा में ग्राम रामपुरा के स्कूल में एक मुस्लिम समुदाय की महिला ने बच्चों के लिए गीता रामायण का ज्ञान दिया और बच्चों से कहा कि जातिवाद से ऊपर उठकर देश के लिए काम करें और हर धर्म का सम्मान करें। मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, आप लोग भी दे रहे हैं, और इन्होंने जो खास तौर से मुझे जो आमंत्रित किया हुआ है वो नीतीश लोग के लिए किया हुआ है। तो सर, इल्म कोई सा भी बुरा नहीं होता, अपन सीखना सिखाना प्रशिक्षण में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बच्चे भी सिखा देते हैं। मैं आपसे अपना अनुभव भी शेयर कर सकती हूँ कि तीसरी क्लास के बच्चे से मुझे सीखने को मिला सर, क्या मिला कि मैं उसे वर्णमाला लिखा रही थी तो खा खरगोश का उसने बनाया, तो बना के जब लेके आया जब वो मेरे पास की, बिल्कुल मेरी मतलब बिल्कुल अनुभव की बात है सर, ये स्कूल की ताज़ी बात है। तो सर उसने कहा कि मैडम आपने गलत बनाया है, तो हमने कहा देखें हमसे भी गलती हुई है, इसी का बच्चा मुझसे ये कह रहा है और शासकीय स्कूल का बच्चा मुझसे ये कह रहा है। हमने देखा, मैंने कहाँ है किताब लेके आई, कहने लगी ये राव और वा रव लिखा हुआ है, राव है ये, खा की लाइन वा की लाइन से मिली होती है, कहने लगा ये उस बच्चे ने प्रेरणा दी। तो सर गुरु कोई भी हो सकता है। रायसेन से दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।